हेलो जी, राम राम जी। सारा ने गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड मॉर्निंग नहीं है, यो है गुड आफ्टरनून। और मैं मान रही हूँ आर्कस और बहुत कड़ा आर्कस मान रही हूँ, क्योंकि जी आज मैंने पहले तो काम करया, काम को निपटा के और फिर पोचा रह गया था, मतलब हल्का हल्का सा सारे का साफ सफाई सी करी थी मैंने आज, फिर मैं पोचा लास्ट में कर दी, फिर मैंने व्लॉग डाला, उसके बाद नाटक की बारी थी तो मैंने नाटक डाला, उसमें कुछ थंबनेल वगैरह लगा लूँ के, उसके बाद जी फिर मैं लगाने लगी पोचा, तो मेरा मन करे आज हाथ तो ना लगाऊं, आज वहीं पर तो पोचा लगाऊंगी, तो मेरा पोपट हो गया करती जो मैंने सोची थी। क्या होया, वाइपर तो पोचा लगाने लगी तो लोहे का वाइपर हमारा वो जंग लाग रहा है, वो टूट गया पोचा लगाते लगाते, उस कमरे में तो पोचा लगाने लगी थी वो बीच में टूट गया। फिर मैंने सोची ना मन नहीं है कभी भी हाथ पोचा लगाने का, तो आज तो मैंने वाइपर तो लाना है, मैं उसका लागी जुगाड़ बाजी कर दिखाऊंगी अपने कतर कुतर बांधी मैंने मका दिखा रह जाता सही पर वो सही ना होया जी, आखिरकार मैंने अपने हाथ था घस घस का पोचा लगाना पड़ा। उसके बाद फिर इतना कुछ होते होते टाइम हो गया जी डेढ़ बजे का, डेढ़ बजे सी फिर मैं बैठ गई पानी पात पी कर बैठूंगी थोड़ी देर, फिर इतने मार लिए जी मारे बालक, और ये पड़े इनके बैग बूग, और वो देखो सोफे वो सूट पड़ा दिखता होगा, डेढ़ बजे काट का सूट भी गिर दिया था अलमारी में, तक ना का हो रहा हूँ पर बस वाय बात लगे रहो इतने लगे रहो, और बैठ जाएंगे ना फिर वो सारा सब कमेटा मा डोड़ हो जा है। और देखो मेरे समर ने कपड़े चेंज करे नहीं है इधर आ, वह समर के कपड़े चेंज में करवाऊंगी, सारे गुड आफ्टरनून बोल दे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ के पड़काया, कौन सी क्लास में हो गया इन सब ने नहीं बता, थर्ड क्लास में हो गया भाई, मारा बेटा हो गया है नई क्लास में थर्ड में हो गया, वो बड़ा होने लग गया सेकंड क्लास तो ही पिटाई कोई कम होया करे, जो बालक ना बड़ा फूटा था शरारत करे था, पर थर्ड क्लास में जाकर ना पढ़ाई होनी स्टार्ट हो जाया करे बड़ी आली और डंडे स्टार्ट हो जाए तो ये थोड़ा थोड़ा डरा भी रहा है रोज बेचारा। तो जी अरे बैग बुक बखरे पड़े हैं, फिर काम चालू हो गया, कम से कम 15-20 मिनट में फिर लगानी पड़ेगी, इनको खाना पीना देना पड़ेगा, तो जब ना आने जाऊंगी ठीक है जी। फिर मैंने सोची चलो आड़कस में पड़ी तब हूँ व्लॉग और स्टार्ट कर ली, मैंने व्लॉग स्टार्ट करवा लिया और बच्चे चले गए अपने टीवी आ गए, किसी ने कपड़े चेंज करे हैं किसी ने नहीं करे हैं, क्योंकि अभी थके आ रहे आए हैं बेचारे, ईब मैं इन सारे ने डाट डबट के ने कपड़े चेंज करवाऊंगी, लंच बॉक्स निकलवाऊंगी, बैग न सही जगह रखवाऊंगी, और इन्हें खाना पीना देकर उसके बाद सूट ठाकर सोफे पर तय, और मैं भी नहा चली जाऊंगी, अरे मैं मिलूंगी आप तय नहा के आने के बाद ठीक है जी, तब तक बाय बाय। मम्मी हाँ कुछ खान का दे दो, खान का ढूंढूंगा रे ताई, तरबूज का दूं, तरबूज तो कल खाया था, फिर कल खाया था आज नहीं खाना तरबूज, तरबूज ना चाहे गर्मी में रोज खा ले, एक मुकार कुछ और आप क्या करो, चीज बचा बचानी होया करे बचानी तेरे बचानी होया करे ते, और चीज तो जब बचाई जब कि मैं भी ना मांगोगे न्यू थोड़ी चीज बचाई दी, चल तो मैं देती हूँ देख, ए खुल जा सिम सिम है अंगूर, सारे भाई बांट कर ले लियो, अच्छा आज इन तय अंगूर लिए थे जिन्हू तो बड़का करा भाई है, अगर बच्चे आने वाले हैं रात कुछ न कुछ मांगेंगे तो ये गली मारे थे अंगूर, फिर मैंने उस ताऊ दो ले लिए और लेकर है, और ये जब के पानी में भिगो भगा कर, और फिर मैंने फ्रीज में धर दिए ठंडे हो रहे हैं, और सुहा लागो कसूते ठंडे ठंडे मीठे मीठे अंगूर दे दूंगी, देखे बालका की फरमाइश रोज रोज, आज तरबूज नहीं तरबूज धरिया है, आधा कल खाया था आधा मकाज खा लेंगे 4-5 किलो का था, आज अलग चीज चाहिए थी जाती है अंगूर है, मैंने बेरा थी अलग चीज मांगेंगे ले बेटा सारे खा लियो और चल कर। तो जी यो पड़ा मेरा सूट, इमें ठा लू हूँ अपना सूट,
और नहा लू हूँ, ठीक है। नाना तो पड़ेगा, बैरी तो मारे मरेगा, आप तो न मरे। देख जूते देख इनके, ये पड़े कुकर बखरे पड़े हैं जूते। पाछे खाइयो रे बड़को, पहले अपने लंच बॉक्स धरो, बैग धरो और ये जूते रखो। समर आप बात झुकी पैर ले बेटा, टी शर्ट इस समर का हिसाब फंडा है भाई। इस तीन मननू का दी बेटा, आप निकाल के पहननी सीख ले, कदे हम घर न पावे हाँ, कदे ना पावे हाँ। और तो के करे है मनु कू भाई, दो दिन टी शर्ट न चला लिया कर, क्योंकि बीच में एक दिन छोड़ कर जब कपड़े धोवा हाँ। मेरा बेटा रोज टी शर्ट या रोज वो बदले रहा होगा मिनट मिनट में। आप बाजू की पहन ले बेटा, मैं दे फिर नाना कैंसल, पहले उसने कपड़े दे कम, मेरा तो कैंसल हो जाए, मैं दूँ बेटा। कई देर होगी नानका नंबर नहीं लगता है जी, के करूँ फिर इसने ठाका, आप दो रनी हुए आ जाऊँ हूँ, क्योंकि कोई नाने ना देता आज, कभी कुछ। हमारी मम्मी सब्जी लाई थी तनु, लेकिन नहीं बकाड़ कुड़का लग कर दे, कई मतलब घने आलू प्याज प्यूज लाई थी तो उन्हें काट कूट कर साफ करके धरन लगी मैं। मेरे कपड़े बाहर के सोफे पर तड़, अंदर के सोफे पाक पड़ लिए हैं। और जी मतलब उस दिन जो हमारी वो हुई थी ना, अगला कमरा खाली कराया था, तो जब पाछे हमारे बरामदे में या कुछ लोकेशन सी बन रही है, एक सोफा आड़ा है, एक सोफा उड़ा है, एक मैज आड़ा है, एक मैज उड़ा है, ये हमने नू डालने पड़ रहे हैं अपने बरामदे में ये। और पर्दे में नू लगा लू हूँ, आपने बेरा है गर्दा है बार वाही काम है जी, गर्दे में फिर बुरा आलू जो है। और वो परला मतलब ये आधा पोर्शन ढक रख रखा है, आधा खुला रख रखा है, खुला नू रख दिया, फिर मका थोड़ी हवा भी जरूरी है, आई रहन दो मका हवा हुआ भी। और चलो पहले दरवाजा बंद कर दू हूँ, कुत्ते काते ही से है, नुआ तुम्हारी प्लेज ने खराब करे रखे है, प्लाट भी बन रहा है। अरे हमारी गली है खाली है, रहे तकरीबन बेचारी गली। अरे ये देखो, अरे हमारी दूध दाद की डोली सारी अंदर ही रहा करे, सुबह दो कन है अरे नाड़े दर्द दिया करा हम, फिर किसी ने ढोनी ना पड़े, जिसका पापा दूध लिया ना तो पापा ने ढोनी ना पड़े, बड़ी डोली दे दो, छोटी डोली दे दो, फलानी डोली दे दो, दकड़ी डोली दे दो। अरे इस कमरे में हम सफाई करते नहीं, यो कमरा हमने कर दिया कति बंद, मान लो ताला मून दिया। कतरे का काम आड़ है, क्योंकि कुत्ता बिल्ली बड़का कितने मारेगी, वहां मैं लैटरिन लूटरिन ना कर जा, इसलिए हम इसने हमेशा बंद रखे है। पूरा वो बेड है ना उसके ऊपर भी पोपलर गाल रखा है, और ये मारे घी पड़े हैं देखो, अड़े तक आ रहे हैं ये, और भी आगे तक आ रहे हैं, अड़े तक मारे घी आ रहे हैं। अंदाजा मार के बताइयो कितने एक होंगे ये, हमने तो खर बतेरे खाने ने, अपने खाने तो ही बोया कराम, हमने तो बतेरे रहेंगे ये। वापिस बंद कर दू ना, हमारी मम्मी भी कहेगी किसने खोले, और बच्चे फिर नू कहेंगे मम्मी ने खोले, ए यो कमरा तो अपना बंद ही कर देवा हाँ। और समर ने इस पर नाम लिख रखा है अपना समर, बच्चा ने कितनी मना कर ले, दीवार दूर बांधन तय, दरवाजा बांधन तय, लेकिन बांधेंगे मन नहीं कत्ती, जिस काम ने नाटेंगे ना वो काम तो वह जरूर करेंगे। इन बड़का के मारे हम दीवारा पर कब और सेलिंग वेलिंग वो हवा ना करवाते, मने जो इस तरीके तो बांध दिया था वाइपर पर नहीं काम दिया, बांधे पाछ भी नया ही मंगवाना पड़ेगा, ये तो आज नुकसान बन गया। अरे देखे हमारी मम्मी ये काम करे है, इस जंगले माड़ा उरे ना थैले टांग दे हैं सारे, नुका फिर पा जा है, मैं नुकू मम्मी एक उसमें डाल कर धर देवा हाँ, पान की बात को ना, हमारी मम्मी है ना आड़ा आड़ा नहीं को से भी जंगले में टांग दे है, ये एक दिन इन्हें कट्ठे करके एक बड़े थैले में डाल कर कित और कित टांगूंगी, देखो मम्मी जंगला पाना चाहिए। और दिखाऊं ये देखो जुगाड़, जुगाड़ू कौन बाबू होता मारा, ये देखो ये अड़ है वॉश बेसिन का ब्रश करे ना, यहाँ ब्रश टांग दे देख, ये एंगर नहीं ब्रश टांगने के वह करे रबड़ है, एक ने तो अपना मास्क का अड़ा टांग रखा है, कोई जिसी जगह नहीं होती फिक्स, आके कितो कम्बा होकर बैठे है। और जी लाइट आजकल आनती नहीं है,
आखिरकार मैं अपने लिए टाइम निकाल के और नहा आई और जो यजमान सूट पर रखा है, सूट की खासियत बताऊं आपने मैं। देखो यो इतना पुराना सूट है लेकिन आज तक मजबूत है, आज तक हम इसने पहने हैं, कंफर्टेबल है। मतलब यो डिजाइन थोड़ा हक ज्यादा परेंजा रहा था, कदे नु कहन लग जाऊ ना अक दिखावा करे है, गोल्ड दिखावा है, ठीक है, ऐसा कुछ ना है, अपना डिजाइन सीधा करा है। तो यो सूट नु ला लो, 2 साल तो हमने खुद दुकान करे होगी और यो अपनी दुकान का कोना, 2 साल पहले जो करवा चौथ आया था ना, उस करवा चौथ पर ले आई थी मैं यो सूट, काफी बार देख रखा है वैसे आपने, और बढ़िया सूट है, कंफर्टेबल सूट है, कुछ नहीं बिगड़ा इसका, कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो मैंने पहन रखा है आज। तो मेन मकसद न्यू था बताना, मैं ना आई हूँ, ये थोड़ा अपना चिकना हाथ ला लू, जिसने अपनी हरियाणवी भाषा में चिकना हाथ कह करे, क्योंकि खुशकिसी का वो और मौसम, धूड़ मिट्टी उड़ा है ना, तो ज्यादा लगा सकते फिर वो उसका चिप जावे, ना टाल कर सकते, क्यों खिंचा खिंचासा होया रहा है सारे की तरह, ठीक है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। के लिए आई खीरे ले आई तड़का, तक 10 लफाफे लिया आई नहीं हुआ, हाथ वाल लटका लटका, कब टमाटर लिया हुआ है, कब अंगूर लिया हुआ है, ये खीरे आ गए। तू बाट में रह मीन सब्जी आड़ा की है, और कब आवे और कब मैं लून दो रहे जो ठीक सा देता लागू दो रहे लिया हुआ अपने के मो। अच्छा महंगे लागू डाल कर दे, सस्ती चीज मिल जाए तो ले भी आवे, डाल के बालक काले पैसे थोड़े सस्ता देनिया भी आ जाए है। दो 20 रुपये किलो भी दे जाए खीरे, 10-15 भी दे जी उसे। 2 किलो ले जब 15 दे दे हैं। अब तक किलो ही ले रहा है। आज तक कम लग गए मैंने। 8 किलो लिए थे, मोटे मोटे गड़े थे, भरे भरे जान के ना लिए। मारा खीरे रोज की वाह है, जानिया भी लेकर जावे फिर बालक भी खावे, और गर्मिया में खीरे खाने भी चाहिए, खीरे मनु कहा कर पानी की कमी पूरी हो है, खीरे खाए तो ये खाने चाहिए। अंगूर तो जान ना हो रहे होंगे, अंगूरा का तो जान क्या का वो दिखता होगा। और सुना तक मन नहीं ताजा क्या, मैं भी सुना कई दिन हो गए, गर्मी गर्मी के मेरी आख्या में आप पानी पड़े, मोड़ बेड पर लोटी थी था, आप पानी पड़े समर नु बोला मम्मी रोवे है, मैं कहना बेटा रो तो क्यों थी, पर मैं आख्या मत पानी पड़े इसे, एक आख मन रहा पानी पड़े आप। हाँ आज लाया देखा ही मना नहीं कहा समर दादा आज तो चश्मे ला रहा है, बोला भाई गर्दा है फिर ला लिया कर, बड़ी होड़ा आग से इन बाहर लकड़ा जब तलाने चाहिए ना इस मौसम में। और चाह पीण का जी कर रहा था, जुकाम सा हो रहा है, मैंने कही चोरी आता मैं कहा बेटी चाह बना ले, नुकना नुबली ना मम्मी पापा ने नुका रखी है कनी चाह मत बनाया करो, तेरी मम्मी कवा जब कहते चाह मत बनाया करो, बोला मेरे दादा दूध लेकर आऊंगे ना जब बनावांगे, मका ठीक है चाह पर भी पाबंदी लग गई मका। गर्मी में चाह तो कम अच्छी लगती है, आसंग ना हो जब चाय अच्छी लग गए है ठीक। अरे भीतर कितनी यार बात करे, ये बतामी बताऊं के देख तू नु कह गया इसी बात कही छोटड़ा नहीं बोल रहा, कल भी रहा है, कल भी दोनों लड़े थे छोटड़ा और बड़ा ना, कल लड़न के ऊपर ना पटे ये है। हेलो जी, गुड इवनिंग जी, कैसे हो सारे? बिल्कुल हम भी ठीक ठाक हैं जी, मस्त हैं। और सुनाओ, और हमारी जा रही है जी लाइट, ना लाइट तो नहीं गई, लाइट नहीं गई हुई, अच्छा ये बल्ब हिल गया होगा। पता है जी हमारा आंगन का जो बल्ब है ना, ये वाला ठीक है, ये पता है कैसा है, अगर इसको थोड़ा सा हिला दो तो यो जल जा है, नहीं तो फिर बंद हो जा है। और कल तो पता है क्या हुआ, ये कोई छिपकली गिर गई इसके ऊपर, तो वो गिरते ही ये जल गया और आज ना गिरी, पता डेली एक छिपकली नहीं गिर जाए इसके ऊपर है ना, फिर ये जल जा शायद है ना, इसके होल्डर में ये लूज है हल्का सा, जब ये हिलावे है ना तब हो जाए, मैं भी करूं, मैं क्या आंगन में है ना अंधेरा ही अंधेरा है,
मैं लाइट नहीं है, फिर देखा दूसरी साइड नहीं लाइट तो है, फिर ध्यान आया मैं कि इस बल्ब में है ना कुछ घपला है, देख कितने मच्छर घूमने लग रहे, बहुत ज्यादा मच्छर हो गए जी। और ये देखो अभी दो दिन से या तीन दिन से तो कितनी गर्मी होगी अब तक है ना, मैं और सोनल यूं खुश हो रहे थे कल परसों तक, मैं देख सोनल हाफ अप्रैल जा लिया हाँ और गर्मी नहीं हुई है, वो वाली अच्छा काम चला हुआ है, और आज जी इतनी गर्मी होगी बहुत ज्यादा, कल रात को भी थी इसके अंदर बैठेगी इसके अंदर बैठने हो रही। अच्छा कल तो इंटरव्यू चल रहा था कल खूब, एक दो दिन पहले आया था। अच्छा भाई खूब वाह वाह हो रही है इंटरव्यू में, थ्री टॉपर्स वाह वाह का काम कर रखा है, जब हो रही है बिना काम करे थोड़ी ना वाह वाह हुआ है। अभी बताइयो जी आपने इंटरव्यू देखा होगा ना सोना लड़का कितना अच्छा लगा है ना काम कर रहा है। जब वो इंटरव्यू सुने है ना जब एक बार तो रोम रोम खड़े हो जाए यूं कि हाँ सच में देखो थ्री लेडीज कैसे हूँ ये वो, मोटिवेशन हो जाए फिर थोड़ी देर में फिर डाउन आ जाए। जी मर दो रहा पर वही बात है जिसका तुक्का बैठ जा है, ये भी भाई ने के कराया एक बार कॉल करके जब तक मैंने कर दी थी जी बता देंगे तो फिर आ गया सीधा हाँ, फिर वो इन्हें बेरा पाट रही थी बराने की है अरे ना का सीधी उड़ा अड्डे पर बूझ ली और अड्डे पर बूझ कर दुकान पर सिर्फ इसमें न्यू कोई थी तीन लेडीज है जो नाटक बनावे है उन्हें तो दूर को रा पहुंचा दिया उसने काम करती हूँ। ये देखो इनके घर आ गए जी बहुत इज्जत करा है काम आपकी क्योंकि आपके पीछे तो पूछा हमने बका। अच्छा जी चलो धन्यवाद। तारीफ तो वही होती है जो पीछे से की जाए मुँह पे तो सब करते नहीं जी, जिस तरह मैं कह जाऊँ इसके मुँह पे सोना अच्छी है सोना अच्छी है। दरवाजा तो ऑलरेडी खुला है ये बोलो कि पकड़ लो क्योंकि आज हमारे आंगन में लाइट नहीं है ना। पानी लेके आए पहले ना हमारा ये कैन दो दिन आराम से चल जाता था और अब शायद हमें डेली लेके आना पड़ रहा है, इससे पता चल रहा है कि गर्मी आ गई और पानी लाने का काम तो मोस्टली यही करते हैं, जिस दिन छोटे वाले आ जाए तो भले ही वो कर देते हैं नहीं तो मेनली नहीं का होता है। मैं तो कई बार ये सोचा कि ड्यूटी से आई है फिर यूं देखो ना कैन आगे रखा है मैं हाँ भाई पानी लेके आई। और सुनाओ सब्जी बनाई है जी, सब्जी आज मैंने देसी सब्जी बनाई है आलू टमाटर और प्याज। अच्छा बता दिया बनाया कर सब कुछ इकट्ठा घेर गई हूँ वो तो नरा पानी घेर के बनाया करे मैंने जी सूखी बनाई है क्योंकि प्याज देखो चार पांच तक प्याज घेर लिए और आठ दस टमाटर घेर लिए। और कल मेरे को ये कह रही थी इतने प्याज मत काटे कम रह रहे हैं कम रह रहे हैं और आज प्याज डाल दिए उसमें आठ दस टमाटर जी छोटे छोटे थे ज्यादा तीन चार आलू गेर दिए लो श्री आऊंगे जब फिर मंगवाऊंगे वे माताओं में ना जब मंडी तक घूम का आया करें और जब मंगा लिया काफी सारे। इसमें लस्सी फ्रिज में थी बाहर निकाल दी मम्मी राबड़ी बना के कह थी इसमें जी राबड़ी गुड़ी उड़ी लस्सी होया करे वाह और इसमें जी दूध जो गर्म करके ठंडा करके और काट कर रखा है खानिया ही बड़े थे खाए जाओ और खाए जाओ खाने वाले दरवाजे पे खड़े खड़े देख रहे हुए गृहिणी का जो काम हो ना वो पूरा कर रहे खाने वाले खाने खाना कर आटा लगा कर आप पता है की बात है अकाउंट तो खराब है इसमें यो इसमें यो इसमें यो ये सारे पीड़ के खान का कहाँ है जो आटा लगा रखा है रोटी बनाओगी मोनिका और आटे ने खा ले ये आटा लगा हुआ है अब रोटी बनाऊंगी ठीक मैं ली थकार बस थक गई जी बहुत देर खड़ी 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 कुछ कुछ पता है जी थकने की तो क्या बताऊँ अभी दो दिन से है ना मैं गैस को नीचे उतार के खाना बना रही हूँ ना तो नहीं तो पाया बजान सर आज तो मम्मी भी बोली सुबह सुबह घूम के आई मम्मी मैं खाना बनाने लग रही थी यूं ये यू क्या कर रही है मैं मम्मी नीचे रख रही बोला क्या हो गया मैं कुछ ना हल्का सा कमर में दर्द हो रहा था राबड़ी की कवा है राबड़ी मैं मन ना मन थोड़ा हल्का सा कर राबड़ी बनाने राबड़ी राबड़ी बनाने राबड़ी बनाओ मैं तो सासू बहु आमा तक कोई सी भी
ठीक है, राबड़ी का जुम्मा मैं अपना नहीं दिया करती। वैसे है ना, मैं 5 करेले लाई ना, उनमें भी मैं ये थी कि आज जाके बनाऊंगी। ये करेले थोड़ी करेले तो फिर लेकिन रखे मना करेले अच्छे ना लगा करे थी। मैं माना करू जितने दिन टम जाए ना करेला तो उतने दिन इतने टेस्टी ना लगा करेले तो मना ना लगा करे, क्योंकि बेरा ना उनका ना भी कड़वा पड़ा रहा ना, जब भी महसूस हो जाएगा तुम ये कड़वे है, कड़वे ना कड़वी चीज अच्छी ना लग गया करे। कोई बात ना, ठीक है, तो मीठे भी लगते होंगे, जरूरी थोड़ी है जी। हर इंसान हर किसी ने बुरा लग गया, हर इंसान हर किसी ने अच्छा लगा। बता दियो जी, किसी ने कड़वी लग गए या ये किसने बढ़िया लग गए? ये मान ले इसने कड़वी लागू हूँ तो मैं मेरे बाल का ना अच्छी भी लागू हूँ, ठीक है, मेरे पति देव ने मैं अच्छी भी लागू हूँ, और तो मैं किसकी कहूंगा मई पर बाल का ना रू न जरूर अच्छी लगती होगी, इन देखने वाला नहीं लगती। ये तो अपनी राय बताऊंगी, ठीक है भाई, बता दी अपनी राय, ठीक है। कमेंट में कितने कमेंट आते हैं और कितने इनके नाम से आते हैं? मेरा है चाहे कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, मेरे बिना रोटी को ना, मेरे बिना कनुआ नहीं कह सकते। आ कितनी बार होगी रोटी ना बनाई, रोटी आपकी टूटे हो जाएगी तो रही खरी जी बड़का की, तो आपने भी बेरा है एक माँ के बिना मतलब छोटे बालक हो रहे बेचारे माटी मरल जाया करे, इसलिए चल जाए ऐसी ऐसी इमोशनल बातें मत कर, मैं इमोशनल हो जाऊंगी ऐसे, ठीक है। मेरी टिफिन निकाल दिया ना, निकाल दिए, अरे ऐसे मेरे बच्चों ने निकाल दिए, मेरे बच्चे बड़े सयाने हो रखे हैं आजकल, तभी निकाल देते हैं वो अपने उसमें निकालते, वो ये सोचते हैं किसी बच्चे का बर्थडे होगा और मम्मी को टॉफी मिली होंगी और वो टॉफी चेकआउट करते हैं तब मेरे टिफिन निकल जाते हैं। तो चलो ठीक है जी, आज का ब्लॉग यहीं करती हूँ फिनिश, अभी कपड़े चेंज कर लेती हूँ और खाना मेरा वेट कर रहा है, खाना बनाऊंगी, ठीक है। आज तो नहीं, चुन्नी ने इतनी ज्यादा परेशान कर दिया मेरे को, क्योंकि पिन लगाने मेरे को ध्यान नहीं रही, और है ना ये तो ना साइड में रुके कंधे पे, ना सिर पे रुके, यूं हाथों में लेके घूमनी पड़ी। वैसे है ना, मतलब कि जब टाइम होता है ना कि हाँ भाई पार्टी वेयर हो कुछ, मतलब पार्टी हो शादी हो, तब तो पार्टी वेयर ड्रेस में डालो अच्छी लगेगी, क्योंकि तब तो काम ही क्या है, यूं पकड़े रहो, यूं करके यूं पकड़े रहो, लेकिन जब काम होता ना भागने का इधर उधर इधर उधर, तब कर देती है परेशान, ये उसमें है ना ऑर्गेंजा में है शायद ये, ऑर्गेंजा में ही है, मेरे को कपड़े की थोड़ी सी कम नॉलेज है जी कि ये किस फैब्रिक में ये किस फैब्रिक में है, वो सोनल को पता है, वो बता देती है मिक्सअप उसमें है, ये वो वाला सिल्क है, ये वो वाला सिल्क है, मैं तो इसी की सुन लिया। तो चलो जी अभी करते हैं ब्लॉग फिनिश, और बहुत कम देख रहे हो, क्या बात है, गेहूं की कटाई में बिजी हो शायद काफी सारे, ठीक है, तो कर लो जी गेहूं की कटाई कर लो, फ्री हो जाओ एकदम से, ठीक है। और वैसे है ना थकावट उतारने के लिए रात को देख लिया करो, ठीक है, स्किप नहीं किया करो, कंप्लीट देखा करो, ओके, थैंक यू देखने के लिए, ओके, बाय, गुड नाइट।